Students of class 7th and 8th, we have completed our topic noun in your grammar. Now the second topic is pronouns. I have written on the board pronouns. Okay. So what is noun? The kinds of nouns we have discussed with the exercises also. And now we are going to study about pronouns. So bachcho pronoun kya hota hai? ठीक है आप देख रहे हो यू कैन सी दैट नाउंस या नाउ इसमें लगा हुआ है ठीक है प्रोनाउन में नाउन एडेड है सो इट इज रिलेटेड टू नाउन कैसे लाइक द वर्ड्स दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज अ प्रोनाउन ओके द वर्ड वी यूज और वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस of nouns are pronouns okay pronoun hote hain noun ki jagah use karne wale like an example you can see that Ram is a name of a boy Ram is a name of a boy or proper noun you can say theek hai noun hai hamara ye Ram Ram noun hai ab Ram ke bare mein agar aapko batana hai to aap kaise bataoge like Ram is an intelligent boy ठीक है राम लाइक्स टू ईट आइसक्रीम नाउ स्टूडेंट्स क्या होता है लाइक राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय ठीक है राम लव्स आइसक्रीम Ram lives in Dehradun. Okay. So instead of using Ram again and again, what you will use? ये noun है. Ram noun है. इसकी जगह जो use करेंगे. आप एक ही बारे बता देते हैं. You will use he because Ram is a boy. He. और क्या कर सकते हो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय ही लव्स आइसक्रीम राम ही लव्स ही लिव्स इन देहरादून ओके और क्या लिख सकते हो हिज फादर इज इन आर्मी उसके फादर किसमें है आर्मी में या डिफेंस ओके सो हिज ही These are the pronouns. हमने किसकी जगह यूज किया इसे राम की जगह यूज किया राम इज अ नाउन एंड द वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउंस ओके तो हमारे लिए ही और हिज क्या हुए प्रोनाउंस सो प्रोनाउन इज ऑल अबाउट टू रिप्लेस मीन्स नाउन की जगह हम बार बार उस का नाम नहीं लेते हैं हम उसकी जगह कुछ और लगाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं ओके सो इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द प्रोनाउन एंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस दैट कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं और किसके लिए कौन सा प्रोनाउन हमें यूज करना चाहिए ओके ये स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दीज थिंग्स इन योर कॉपी ओके सो दीज आर द नोट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द सेम वीडियो pronouns so I am making this video to note down in your copy by pausing according to your convenience okay types of pronouns subjective objective possessive reflexive intensive indefinite demonstrative and last one is interrogative subjective pronoun objective with examples possessive with examples reflexive pronoun intensive indefinite demonstrative and last one is interrogative okay so these are the notes you have to
write down in your copy in a very beautiful writing. और ये सेम चीज़ ही आपको एक्सप्लेन की जाएगी अभी. सो देयर वुड बी नो कन्फ्यूजन कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. यही नोट्स हैं आपके प्रोनाउंस के जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और यही प्रोनाउंस का यही कंटेंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. यस स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज प्रोनाउंस. Pronoun. Okay. Now, what do you mean by pronoun? It is given. Pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा word होता है जो noun की place पे use होता है. ठीक है. अब noun हमने पढ़ा था इससे पहले. So noun is the name of a person, place, animal, thing या abstract जितने भी हमने types ही पढ़े थे. तो वो noun की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. ही, शी, दे, आई, वे, वी, यू, दिस, दैट, इट, एट्सेट्रा. ओके, ये सब किसी के नाम तो नहीं हैं बट किसी को डिनोट कर रहे हैं. सो दीज आर द प्रोनाउन्स. सी द एग्जाम्पल. भानुशाली इज माई फ्रेंड. भानुशाली इज क्यूट. बात भानुशाली की हो रही है कि वो मेरी फ्रेंड है. भानुशाली इज माई फ्रेंड. भानुशाली मेरी दोस्त है. और भानुशाली क्या क्यूट है. तो अगर भानुशाली के बारे में अगर दो चार बातें और बतानी हो तो क्या हम बार बार भानुशाली भानुशाली करेंगे. नो. उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं. भानुशाली इज माई फ्रेंड. एक बार बता दिया कि भानुशाली के बारे में बात कर रहे हैं. देन शी इज क्यूट. वो क्यूट है. शी. सो शी इज द प्रोनाउन फॉर भानुशाली. भानुशाली नाउन है. नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज किया है वो है शी. गॉट इट. सी अनदर एग्जाम्पल. ऑनिका वर्क्स इन HDFC बैंक. ऑनिका कौन से बैंक में वर्क करती है. HDFC. हर फादर इज अ नाइस मैन. किसके पापा नाइस है. ऑनिका के. लेकिन बार बार ऑनिका लगाना ज़रूरी नहीं है. उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया दैट इज़ हर. उसके पापा. सार्थक इज़ अ गुड बॉय. सार्थक इज़ माई फ्रेंड. सार्थक्स फादर वर्क्स विद माई फादर. बार बार सार्थक का नाम आ रहा है. सार्थक के बारे में बात हो रही है. सार्थक एक अच्छा लड़का है. सार्थक मेरा दोस्त है. सार्थक के पापा और मेरे पापा एक साथ वर्क करते हैं. है ना. वर्क्स विद माई फादर. वो मेरे पापा के साथ वर्क करते हैं. तो बार बार सार्थक वर्ड यूज़ ना करके हम सार्थक के लिए एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे. सार्थक इज़ अ गुड बॉय. बता दिया कि सार्थक के बारे में बात हो रही है. ओके. नाउ ही इज माई फ्रेंड. वो मेरा फ्रेंड है. कौन. सार्थक. हिज फादर वर्क्स विद माई फादर. उसके पापा. हिज मतलब. हिज मतलब क्या होता है. उसके फादर. किसके फादर. सार्थक के फादर. किसके साथ वर्क करते हैं. मेरे फादर के साथ. ओके. सो प्रोनाउंस ऑफ सार्थक आर ही एंड हिज. ये दो प्रोनाउंस यूज किए हैं सार्थक के लिए. गॉट इट. नाउ नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. नाउ प्रोनाउंस के क्या क्या टाइप्स हैं. There are 7 types, okay? Subjective. Yes, now types of pronouns. We have 7 types. Subjective, objective, possessive, reflexive, intensive, indefinite, demonstrative. इन सब से ही हम फेमिलियर हैं. ओके. सो ऐसा नहीं है कि ये 7 है तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और याद ज़्यादा करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. एक्चुअली वी आर वेल नोन बाय दी 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. बट हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि इसका नाम क्या है. ओके. सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट. सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. It performs the
एक्शन ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट बच्चों आपको अच्छे से पता है, हमने टेंस में बहुत सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में लिखे हैं. लाइक द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ओके, तो ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है. इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो एक्शन होता है वर्ब का वो कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ही इज फनी. वी वर इन कोलकाता. दे स्कोल्डेड मी. वो फनी है, हम कोलकाता में थे, उन्होंने मुझे डांटा. ओके, सब्जेक्ट की जगह आया है ये प्रोनाउन. किसी का नेम नहीं है बट किसी को डिनोट कर रहे हैं ये, तो ये सब्जेक्ट की प्लेस लिए इन्होंने. ओके, उसने, हमने, उन्होंने. सो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सो एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर आई, यू, ही, शी, वी, दे. ये सब नाउन्स के रिप्लेसमेंट्स हैं. आई, यू, ही, शी, वी, दे. और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स हो जाते हैं. गॉट इट? नाउ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो एक्शन सब्जेक्टिव प्रोनाउन का हुआ है वो एक्शन किसने रिसीव किया है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ने. जो एक्शन का जो जो असर पड़ रहा है, इट रिसीव्स द, कौन किसको मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को. नाउ लेट्स सी विद द एग्जांपल्स. वेदांश वाज विद मी. तरणवीर स्कॉल्डर्ड हिम. लक्ष्य इज वॉचिंग यू. सब्जेक्ट क्या है? वेदांश फर्स्ट में. वाज विद मी, मी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव हो गया ये. ठीक है, क्योंकि किसके पास एक्शन जा रहा है? मी के पास. तरणवीर स्कॉल्डर्ड हिम. तरणवीर इज अ सब्जेक्ट. ओके, ये नाउन हो गया. एंड स्कॉल्डर्ड हिम, हिम इज अ प्रोनाउन. तरणवीर ने किसको डांटा? उसको डांटा. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, इसने, इसका एक्शन किसने रिसीव किया? हिम ने. ओके, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. लक्ष्य इज वॉचिंग यू. लक्ष्य तुम्हें देख रहा है. सो वॉचिंग, इसका, लक्ष्य का एक्शन किसने लिया? यू ने. सो मी, हिम, यू आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स. नाउ सी द अदर एग्जांपल्स. मी, यू, हिम, हर, देम, अस. ओके, आई से बना मी, यू का एज इट इज, ही से हिम बना है, शी से हर बना है. लेकिन इनका अलग अलग जगह, इनका जो नेम है, जो यूज़ करने तरीका है, वो बदल जाता है. ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ओके, नाउ पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव मतलब बच्चों होता है कोई चीज़ किसकी है, वो हमें पता होनी चाहिए. मतलब है ना, टेल्स अस हु ओन अ पर्टिकुलर थिंग. हु ओन अ पर्टिकुलर थिंग. ये पर्टिकुलर थिंग या कोई चीज़ किसी के बारे में भी बता रहे हैं तो वो किसकी है, किसका है, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. यू आर माय सन. शी इज योर सिस्टर. दिस बुक इज माइन. दिस पेन इज हर्स. नाउ यू आर माय सन, तुम मेरे बेटे हो. पता चल गया कि यू किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है. और बता दिया कि ये जो बेटा है, ये जो है, वो यू का है. शी इज़ योर सिस्टर, ये तुम्हारी सिस्टर है. दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है. दिस पेन इज़ हर्स, ये पेन इसका, उसका है. ओके, नाउ सी. माय माइन, हिज, हर हर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, आर आर्स. अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये भी मेरे लिए यूज़ किया जा रहा है, ये भी उसका, उस, उनका, उनका, तुम्हारा, हमारा. ठीक है, लेकिन इनका जो सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो मीनिंग कैसे डिफर करता है? लेट्स सी. व्हेन माय इज़ यूज्ड, माय के बाद अगर कुछ लगा हुआ है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे क्या हो? दोस्त हो, तो हम माय यूज़ करते हैं. You are my friend. Okay.
तुम मेरे हो, यू आर माइन, यहाँ पर भी मेरा है, यहाँ पर मेरा, लेट सी दिस एग्जाम्पल, यू आर माई ब्रदर, माई के साथ क्या जुड़ा है, ब्रदर, मेरे भाई, है ना, तो माई लगा दिया, यू आर माइन, तुम मेरे हो, मेरे के बाद क्या हो वो नहीं बताया है, तो इसलिए हमने यूज़ किया माइन, गॉट इट, नाउ दिस इज माई बुक, माई के साथ क्या लगा है, बुक, क्या है, मेरी बुक है, तो माई लगाया है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, मेरी क्या है वो नहीं लगाया लेकिन पहले ही बुक बता दिया है, तो माइन, दिस इज हिज और हर बेबी, ये उसका या जो मेल है या फीमेल है उसका बेबी है, नेक्स्ट इज दिस बेबी इज हर्स, ये जो बच्चा है इसका है, उसका है, गॉट इट, दिस इज हिज हर, ओके, नाउ दिस इज आवर स्टोरी, दिस इज आवर स्टोरी, ये हमारी कहानी है, दिस स्टोरी इज आवर्स, यह कहानी, ये पहले वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्टोरी, यह हमारी कहानी है, हमारी के बाद क्या है, कहानी है, स्टोरी है, तो हमने आर यूज किया है, लेकिन यह कहानी हमारी है, ठीक है, हमारी के बाद कुछ यूज नहीं है, स्टोरी पहले आ गया, तो आर्स, दिस स्टोरी इज आर्स, दिस इज आर्स, यह हमारी है, यह हमारा है, दिस इज आर्स, उसके बाद कुछ यूज नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आपके बाद कुछ लग रहा है मेरा, मेरी के बाद, उसका, उसके बाद, तो हम माय या सिंपल जो हमारा चलता है माय, योर, एस तब लगाते हैं जब उसके बाद हम कुछ बोलते नहीं, कुछ लगाते नहीं है, ओके, जैसे इसमें लिखा है दिस इज दिस स्टोरी इज आर्स, यह कहानी हमारी है, ओके, दिस इज आर्स, यह हमारी है, क्या है वो नहीं लगाया, तो यहाँ पर एस लगाए, और यहाँ पर भी एस लगाया, दिस स्टोरी इज आर्स, यह स्टोरी हमारी है, ठीक है, दिस इज आर्स हमारी है, लेकिन दिस इज आर स्टोरी, यह हमारी क्या है, कहानी है, हमारी के बाद कहानी जुड़ रहा है, स्टोरी जुड़ रहा है, तो एस नहीं लगाएंगे, सिंपल आर, गॉट इट, नाउ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यस, नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है उसी पे ही बैक, refers back to the subject of a sentence. Let's understand with the examples. He'll do it himself. I'll do it myself. You will do it yourself or yourselves. He'll do it himself. वो ये खुद ही करेगा. वापस चला गया उसके पास. I'll do it myself. मैं ये खुद ही करूँगा या करूँगी. Okay? You will do it yourself or yourselves. Yourself अगर एक पर्सन से बात हो रही है या आगे हमारे एक से ज़्यादा है तो yourselves. ये back to जा रहा है subject के पास. ऐसे examples हैं myself, my से बना myself, he से बना himself, herself, yourself, yourselves, themselves, ourselves. Reflexive है. वापस उसके पास चला जाता है subject के पास. खुद ही करेगा. जिसके बारे में बात हो रही है उसी के लिए ही हम last में ऐड करते हैं. गॉट इट? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नाउ सी द इंटेंसिव प्रोनाउन. इंटेंसिव बच्चों होता है मतलब बहुत ज़्यादा उस पर हम फोर्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही उस पर इम्पोर्टेंस इसमें अभी जो दिखाएंगे लाइक इंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है. इसमें मीनिंग क्या है इंटेंसिव प्रोनाउन emphasizes its antecedent noun or pronoun. See, myself, himself, yourself, reflexive में भी आया है. But pronoun या noun के just बाद अगर हम ये words use करते हैं तो ये intensive pronoun हो जाता है. कैसे? कि इसमें जो है ज़्यादा emphasizes हो रहा है, ज़्यादा इस पर हम जोर लगा के बात कर रहे हैं. That is intensive. I इसमें भी बोला He'll do it himself. Okay. हाँ वो खुद ही करेगा. ठीक है. लेकिन इसमें लगा है I myself should try.
या आई शुड ट्राई माई सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगा. लेकिन अगर हम नाउन या प्रोनाउन के बाद ही हम ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, तो यानी हम ज़्यादा जोर दे के बात कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है. डिफरेंस इज दैट रिफ्लेक्सिव में वो एंड पे आ रहा है और इंटेंसिव में जस्ट उसके बाद आता है. आई माई सेल्फ शुड ट्राई, राम हिमसेल्फ विल गो, यू योर सेल्फ विल गो. गॉट इट? नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है. इनडेफिनेट एक जनरल बात की जा रही है. एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इनडेफिनेट और जनरल पर्सन और थिंग. जनरल एग्जाम्पल ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन, कितना है पता नहीं, इनडेफिनेट है ये. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. ऑल आर वर्किंग, फ्यू आर सिटिंग, मैनी आर प्लेइंग. कुछ तो खेल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन कितने हैं, डेफिनेट नंबर इज नॉट गिवन. ओके, सो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है. ऑल, फ्यू, मैनी, नन, बोथ आर विद मी. अब आप बोलोगे बोथ तो डेफिनेट हो गया, दो के लिए बात कर रहे हैं, बट उन दो में बताया नहीं है पर्टिकुलर. ओके, उन दोनों को एक साथ लिया हमने, है ना, तो ये इनडेफिनेट है. एवरी वन इज वरिड, हर कोई वरिड है, तो कौन कौन है, इट्स इनडेफिनेट. ईच पेज इज इंटैक्ट. गॉट इट? नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, हाथ दिखा के बात करते हैं, या सिर्फ बता देते हैं ना पर्टिकुलर, डेमोन्स्ट्रेट करना, दैट इज पॉइंट्स आउट अ नाउन. दिस इज माई पेन, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक. दिस दैट का यूज में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर है कोई थिंग तो हम बोलते हैं दिस, और अगर हम यहाँ कोई चीज़ को बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है दैट. ओके, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, दीज आर हिज पेन्स, प्लूरल के लिए दोज आर एनिमल्स. ये हम जब पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन को, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव हमने बहुत पढ़ा फ्यूचर टेंस में, टेंस में और टेंसेस में. इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चन एंड इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली अ नाउन और अ प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव मीन्स हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसका आंसर डेफिनेटली एक नाउन और प्रोनाउन में निकल के आता है. इसमें क्यों, क्या रीजंस वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, डेफिनेट आंसर जिसमें नाउन और प्रोनाउन निकल कर आएगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. राइट? सी, व्हाट, विच, हु, हूम, हूज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. अब हमारे नाम दो चार तो नहीं है, घर में होंगे, लेकिन बाहर भी अगर हमसे कोई पूछेगा तो आप अपने स्कूल का नाम ही बताते हैं जो आपके स्कूल्स में चलता है. ठीक है, व्हाट इज योर नेम, जैसे जया हाड़ा है 8th में है. ओके, सो व्हाट इज योर नेम, जया हाड़ा इज माय नेम. हु आर यू, तुम कौन हो. हुम डू यू लाइक, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है. सारे नहीं है, एक के लिए बात की जा रही है. हु इज दिस पेन, ये पेन किसका है. ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, इनडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव. प्रोनाउंस नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को कहते हैं. सब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स एक्ट एज अ सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन परफॉर्म करता है. ऑब्जेक्टिव जो एक्शन को रिसीव करता है. पजेसिव क्या चीज़ हमारी है या किसकी है, वो पजेशन. रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, देमसेल्स. और इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव में वर्ड्स प्रोनाउंस वही होते हैं, प्लेस का डिफरेंस होता है कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है. इंटेंसिव मतलब एम्फसाइज कर देना, बहुत ज़्यादा जोर दे के बात करते हैं. इनडेफिनेट में ऑल, ईच, मतलब डेफिनेट नंबर इज नॉट गिवन ऑफ प्रोनाउन. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके क्या है, पॉइंट आउट करना. सो वन वर्ड, वन प्रोनाउन इज लेफ्ट, लेट मी राइट, 1 2 3 4 5 6 7. डेमोन्स्ट्रेटिव एक है, इंटरोगेटिव
by mistake it is left. Okay, interrogative. So that's all for today.